नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 5 अन्य लोगों को भी हाथरस जाने के लिए इजाजत दे दी गई। हाथरस जाने के लिए और गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आज फिर से पुलिस ने रोका था। इतना ही नहीं, पूरी पुलिस दल बल के साथ वहाँ मौजूद थी। पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोक लिया, हालांकि उन्होंने ये प्रयास 2 दिन पहले भी किए थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उनको यमुना एक्सप्रेस से गिरफ्तार कर लिया और वापस दिल्ली लौटा दिया था। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि यूपी की योगी सरकार हाथरस का मामला को दबाने में लगी है, लेकिन विपक्षी पार्टी और मीडिया को वहां जाने से रोकने के बाद यह मामला और गर्मा गया। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद आज दोपहर को उन्होंने दोबारा हाथरस जाने की कोशिश की। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ महामारी कोविड-19 के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वहां जाने की कोशिश की। वहां पर धारा 144 लागू की गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ 153 लोगों पर और उन पर ये केस दर्ज हुआ, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला व राजीव शुक्ला भी शामिल है। यूपी सरकार ने एसपी डीएसपी समेत 5 कुल पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया। साथ ही एसआईटी इस केस से जुड़े सभी लोगों को नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी करेगी। सुबह पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जाने से रोक दिया गया था, लेकिन बाद में यूपी सरकार ने इसकी इजाज़त दे दी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ 5 अन्य लोग भी जा सकते हैं। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।